देखो, जो तुमने बताया ना सीआईडी को, उसी पे अड़े रहना, वरना मुझे भी फंसा दोगे बिना बात के। जी। आ रहे हैं वो। नहीं, बाहर तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी आपकी सहेली सीमा को बाहर गाड़ी में बैठते हुए नहीं देखा। मुझे आपके मैनेजर साहब की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या बताया तुमने, वो पुलिस की जीप में बैठ के गई? जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कि पुलिस ने अपनी गाड़ी भेजी हो किसी को बुलाने के लिए। सब ऐसा ही हुआ था। ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। बाहर अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने उन्हें पुलिस की जीप में बैठते हुए देखा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे पुलिस के पास वैसे ही गाड़ियों की कमी, वो कहाँ से भेजेंगे? कौन से रंग की जीप? सफेद। सफेद जीप? एम्बुलेंस थी क्या? नहीं, पुलिस की जीप थी। सफेद रंग की पुलिस की जीप होती ही नहीं है। कहाँ खड़ी थी जीप? वहां पे। दिखाओ, कहाँ पे खड़ी थी? हैं? गाड़ी कहाँ खड़ी थी? वो वहां पे खड़ी थी। और तुम कहाँ खड़े थे? मैं यहाँ पे खड़ा था। यहाँ से तो गाड़ी बराबर दिख भी नहीं रही है। मैंने तो यहीं से देखा था साहब। नहीं, तुम्हारी कहानी में काफी छेद है। हाँ बस, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, फिर से बताओ क्या हुआ है। साहब, सीमा जी सालों से हमारे बुटीक में आती हैं और मैडम की रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, क्या रिश्ता है आपका? जी, वो मेरे पति की बहन है। और ये बुटीक आपका है? जी। फिर आगे क्या हुआ? साहब, आज करीब 11 बजे वो यहाँ से अंदर आई। हाय। हाय बलविंदर। हेलो। रश्मि नहीं आई? नहीं मैडम, अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे कुछ पर्सेस दिखा दो ना, कल मुझे पार्टी में जाना है। आइए, यहाँ आइए। ये देखिए, पर्स ही पर्स है। या सीमा, यह क्या? राजेश का एक्सीडेंट? और ये कैसे हुआ? Oh my God! अब कैसे है वो? कहाँ पे? नगीनदास रोड पे। प्लीज। हाँ, देखिए, हाँ, मैं पास ही में हूँ, एलिगेंट बुटीक में। जी पा रही है? थैंक यू वेरी मच। मैं उन्हें अस्पताल लेकर जाऊंगी। बस फिर वो जीप में बैठकर चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़ी देर बाद रश्मि मैडम आई तो मैंने इन्हें बताया। जैसे ही मैंने सुना, मैं नगीनदास रोड की तरफ भागी। वहां जाके पता चला कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो अभी भी इंक्वायरी कर रहे हैं। लोग आ गए। नहीं, किसी ने भी देखा नहीं एक्सीडेंट होते हुए, और पुलिस को भी कुछ पता नहीं है। सीमा का मोबाइल फोन भी बंद है, अचानक फोन कैसे बंद हो गया? ये लोग सीआईडी से। आप में से किसी ने सीमा के हस्बैंड से बात करने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, घंटी बज रही, कोई फोन उठा ही नहीं रहा। और उनके घर में जो लड़का काम करता है वो भी छुट्टी पे है। वो भी छुट्टी पे। आशा, तुम एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो, देखो ये सफेद जीप मिलती है क्या। और आप सब लोग मेरे साथ राजेश के घर आइए। राजेश की कार है? हाँ। बोनेट गरम है, गाड़ी चली हुई है, कहीं वो यही तो नहीं है। फिर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सीमा एक चाबी या ट्यूबलाइट के ऊपर रखती है। राजेश, सीमा, सीमा, राजेश यहाँ पर है। यही तो है राजेश, फिर शुरू हो गई इसकी तारुफ। 10-10 दिन तक बीता रहता है। उठाओ इसे। राजेश, 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 नहीं उठ रहा। पानी मारना पड़ेगा। दारू ही मारो, पानी क्यों मारते हो? कुछ भी मारो, उठाओ इसे। कौन है?
तू ये क्या कर रहा है? इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? सुबह तो कब की हो चुकी है। क्यों है तू यहाँ पे? तू फोन नहीं उठा रहा था तो मैंने तेरे सारे पेट्रोल पंप में फोन करके पूछा, तू वहां नहीं मिला तो मैं यहाँ आया तुझे ढूंढते ढूंढते। परसों मुझे ढूंढ क्यों रहा है यार? इतने सारे लोग, आप लोग अंदर कैसे आए? राजेश, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपना सेल फोन भी नहीं उठा रहे हैं क्यों? फोन? हाँ फोन। फोन तो मेरा फोन सब हो गया, पता नहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ गया? हो गया, लेकिन क्या हुआ? आपको नहीं मालूम क्या? आपकी वाइफ को इनकी बुटीक पे किसी ने फोन करके बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस की जीप उसे लेने आ रही है। वो एक जीप में बैठ के चली गई है, तब से गायब है। हाँ, अब सीमा को कोई पता नहीं है। देखिए मैम, मैं तो कल शाम से पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, यही इसी घर में पी रहा हूँ मैं। सुबह तो उठे होंगे आप? वो भी नहीं, सुबह उठे कि नहीं आप? सुबह उठा था, वो सीमा ने कब चाय दिया फिर उसके बाद चली गई वो। सीमा दिखती कैसे? सीमा की तस्वीर है घर में। तस्वीर? हाँ वो उधर बेडरूम में, शायद ड्रॉअर में होगी वो। इसके बाद आपकी वाइफ के जाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं फिर पीने लगा। मैं सुबह सुबह तो सुबह से ही पी रहा हूँ, कि मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। आप सुबह से बाहर नहीं गए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपकी गाड़ी का इंजन अभी तक गर्म है और आप कह रहे हैं आप बाहर नहीं गए? इंजन गर्म कैसे हो गया? ये लीजिए तस्वीर। आशा बोलो, कहां पे? आरे में। ठीक है, तुम डॉग स्क्वाड को बुलाओ, हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। सुना राजेश जी, जिस जीप में आपकी वाइफ गई थी वैसी सफेद जीप हमें आरे कॉलोनी में मिली है, लेकिन उसमें सीमा जी का कोई अता पता नहीं और उसमें हाथापाई के निशान भी हैं। अभी भी वक्त है, सच सच बता दीजिए। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं। आशा अब बताओ क्या क्या है? सर ये जीप चोरी की है, मालिक रिपोर्ट लिखवाने जा ही रहा था तभी उसे पता चला कि सीआईडी को सफेद जीप की तलाश है। अंदर कुछ मिला? सर अंदर ये मिला है। अरे ये तो सीमा का ईयरिंग है। तो यही वो गाड़ी है जिसमें सीमा को ले जाया गया है। हाँ सर, कांच टूटा हुआ है, खून भी लगा हुआ है। यहाँ काफी कुछ हुआ है बस। ये देखिए सर, यहाँ भी, ये देखिए। एक बड़ी अजीब बात है सर, गाड़ी में कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं, सारे निशान मिटा दिए किसी ने। ये सीमा का ब्लड ग्रुप क्या है, आपको कुछ पता है? हाँ, बी पॉजिटिव। हमारे एक रिलेटिव की सर्जरी हुई थी तो हम दोनों खून देने गए थे। मगर ये सीमा है कहाँ? टॉक्स को रेडी? यस सर। सीमा को जो कपड़ा लाए हैं वो लेके आओ। चल फिर बात करो। स्मेल, कौन स्मेल? कौन सर्च? स्मेल, कौन? कौन लेकर? स्मेल, सर्च को। कौन स्मेल? सर्च, वेरी गुड, कम ऑन। कौन सर्च? कौन को स्मेल? तो वो को ये सब कपड़े करने का टाइम कहाँ से मिलता है? और ऐसी जगह कैसे ढूंढ लेते हैं? ढूंढना क्या है? इस रास्ते से रोज गुजरो तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को भी मार के फेंका जा सकता है। इसका मतलब जिसने भी ये सब किया है तो ये कहीं आसपास का रहने वाला है, नहीं तो उसने से इस जगह का पता कैसे चलता है? शहर से हम लोग शहर की मक्खियों के रास्ते में आ गए, आसपास कहीं छत्ता होना चाहिए। पूरा देखा कितना बड़ा है,
इतनी बड़ी मक्खी है, 15-20 अगर किसी को काट ले तो आदमी मर सकता है। सीमा! क्या हुआ? सर, लाश है। अच्छा, नहीं सर, ये सीमा नहीं। सीमा नहीं? नहीं सर। नहीं, ये सीमा नहीं है। तो फिर कौन है ये? मुझे नहीं मालूम। कितनी अजीब बात है, गायब सीमा हुई है और लाश किसी दूसरी औरत की मिली। सर, सर डॉग और आगे जा रहा है। ये आगे कहाँ जा रहा है? इसका मतलब सीमा को यहाँ से आगे ले जाया गया है। कॉस्मेट, कम ऑन, गुड बॉय, गुड बॉय, कॉस्मेट, स्मेट, गुड बॉय, कम ऑन, स्मेट, स्मेट। सर, इसके लिए डॉग नहीं जा रहा। ठीक है, आप जाके बैठो, वो लोग यहीं से गायब हो गए। सुधाकर! सर। देखो वहाँ एक लाश पड़ी है, आशा भी साथ में है, देखो जाके। ओके सर। ये देखा तुमने, टायर के निशान साफ नहीं है मगर फिर भी दिख रहे हैं। टायर की चौड़ाई से तो लगता है कि कोई मिड साइज कार है। एक खबर और, ये लड़की जहर खा करके मरी। जहर खा के? मतलब जीप में खून इसका नहीं है? नहीं, वो तो सीमा के खून से मिलता है, बी पॉजिटिव। जहर खुद खाया होगा या किसी ने? हाँ, किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला करके पिला दी, जरा ज्यादा ही मिला दी। सीमा को क्या हुआ होगा? अब जिससे ये बात पूछ सकते थे वो तो वहां पड़ा हुआ है टुन्नो के। वो यहाँ है सर, मैं उसे ले आया। राकेश आइए, आप ही का इंतजार था। सरकार अगर होश में आ गए हो तो एक लाश दिखा सकते हैं आपको। लाश दिखा सकते हैं आपको? एक लाश? नहीं, लाश मैं नहीं देख सकता। लाश? घबराइए मत, लाश सीमा की नहीं है। थैंक गॉड, इसका मतलब मेरी बहन जिंदा है। नहीं, लेकिन फिर भी ना, मैं लाश नहीं देख सकता। मैं सीमा की नहीं तो देख लो। नहीं, मैं लाश नहीं देख सकता। देखो, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे लाश नहीं देख सकता। आप इसे पहचानते हैं? मैंने पहले से कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। मुझे एक ड्रिंक मिल सकता है क्या? मेरी हालत बहुत खराब है। मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ, इसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है। ले जाइए आप। या हाँ सुधाकर, गुड वर्क। और किससे पूछा? सुपर्ब, गुड पीस ऑफ पुलिस वर्क। आजकल खा क्या रहा है? ओके, क्या हुआ? सुधाकर का फोन था आर्य से, अच्छा काम किया उसने, अपने काम में लगा हुआ है। हर एक आदमी से पूछताछ कर रहा है वो। उसे एक आदमी ऐसा मिला जिसने आज एक सफेद गाड़ी वहां खड़ी देखी, करीब 12:45। सफेद गाड़ी? सफेद गाड़ी तो राजेश के बंगले के बाहर भी खड़ी थी, याद है? बोनेट गरम था। हाँ, मतलब कहीं राजेश तो नहीं गया आरे में? रुको उसे, तेरा कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ सीमा गायब है और तू, तुझे कुछ फिक्र ही नहीं है। तू नजर आए? रुको, रुको, टायर मिला के देखो। यस सर। देखो मैच होते हैं क्या? मैच हो रहा है। मिस्टर राजेश,
आप कहीं नहीं जा रहे, इधर आइए। क्यों क्यों? इधर आइए आप, इधर आइए। दिखाओ इन्हें, ये देखिए आपके टायर इस फोटो से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी कार आरए में थी जहां से लाश मिली है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा ना, अभी सब समझ में आ जाएगा। उधर चलिए आप, ये कार की तलाश लो। क्या खड़े रहिए, आप बाहर आइए। क्या हुआ, क्या मैंने? आप इधर आइए, उधर आइए। मैं डिक्की खोल। अभिजीत, ये देखो आज का टोल टिकट वाशी का, मतलब ये गाड़ी आज शहर से बाहर गई थी। मैंने कहा था ना राजेश के घर के बाहर बोनेट गरम है, इसका मतलब कार चली हुई थी। मिस्टर राजेश, आपकी कार वाशी में कहाँ गई थी? वाशी में? मिस्टर राजेश, काफी बड़ा बंगला बनाया आपने वाशी में। एक एक कोना छान मारो यहाँ का। वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, वैसे भी 2-3 घंटे हो गए, मेरा गला बहुत सूख रहा है, क्या ना टेंशन में बहुत प्यास लगने लग जाती है। साहब को जरा पानी पिलाओ। पानी? अरे पानी से क्या होगा। सीमा ही होगी। सीमा ही है, जिंदा नहीं है। सर, अभी इसको बुलाओ और कार इस तरफ लगाओ। साथ में बैग भी पड़ा है, इसे भी यहाँ पे छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले। देखो बोल के देखो। सेल फोन है। कहते हैं कि आप सुबह से घर पे ही हैं, पर आपकी कार आरे में देखी गई, फिर वो कार वाशी आई। आपका कहना है कि आपने अपनी वाइफ को फोन किया ही नहीं, पर आपका नंबर यहां पर है। मोबाइल खोया आपका मुंबई में और मिल रहा है यहां पे, जहां पे सीमा की लाश पड़ी है। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत यार, क्या यार अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ है, ऊपर से एक नया चक्कर। तो बेटी के लिए। नमस्ते देवेंद्र साहब। नमस्ते। कुछ पता चला आपकी बेटी का? नहीं, पुलिस ने हमें कहा कि CID में जाओ, तो हम रात को यहाँ आए थे, मगर आप वाशी में थे तो मिले नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों। नहीं, उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग जल्दी ढूंढ देंगे आपकी बेटी को। हाँ प्लीज, हमारी तो जान निकली जा रही है, कल से गई है अभी तक नहीं आई। आपके घर में और कौन कौन है? हम तो अपनी बेटी और जमाई के साथ ही रहते हैं। वो अभी कहाँ है? वो बाहर गया हुआ है, काम के सिलसिले में टूर पे जाता रहता है, करीब 15 दिन बाहर रहता है, है ना? अच्छा, जरा वो फोटो दिखाइए। फोटो लाए ना आप लोग अपनी लड़की की? हाँ, जरा वो फोटो दो ही नहीं। हाँ देती हूँ, लीजिए, जितनी मिली सब लाई। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़की है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। Thank you.
ये कौन है? ये तो हमारी लड़की है। और ये? ये हमारा जमाई है प्रकाश, हम इसी के घर में रहते हैं। ये इनका दामाद है प्रकाश। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.